पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए लाई गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इस योजना के अंतर्गत छोटे किसानों को 3 समान किस्तों में 6,000 रूपए सालाना देने की व्यवस्था की गई है। कृषि मंत्रालय की पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार योजना के तहत कुल चिन्हित 8.80 करोड़ लाभार्थियों में से 8.35 करोड़ छोटे किसानों को पहली किस्त के रूप में 2,000 रूपए की राशि दी गई, वहीं दूसरी किस्त में लाभार्थियों की संख्या घटकर 7.51 करोड़ हो गई है। इस बारे में बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के प्रोफेसर और अर्थशास्त्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा, छोटे किसानों की आय बढ़ाने के इरादे से ये योजना लाई गई, लेकिन आंकड़ों से स्पष्ट है कि लाभार्थियों की संख्या घट रही है। ये बताता है कि बड़ी संख्या में किसान इस योजना से बाहर हो रहे हैं। लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारणों पर उन्होंने कहा, पोर्टल पर डाले गए आंकड़ों में खामियां पाई गई हैं। इसके अलावा योजना के लाभ के लिए आधार को बैंक खाते से जुड़ा होना अनिवार्य किया गया है। संभवतः इसके कारण कई छोटे एवं सीमांत किसान योजना से बाहर हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसके कारण उत्तर प्रदेश में 1.4 करोड़ तथा पूरे देश में 5.8 करोड़ किसानों को चौथी किस्त नहीं मिलने की आशंका है। पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार पश्चिम बंगाल इस योजना में शामिल नहीं है और वहां के एक भी किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 2.01 करोड़ लाभार्थियों को चिन्हित किया गया था, वहां पहली किस्त 1.85 करोड़ किसानों को दी गई, जबकि तीसरी किस्त में ये संख्या कम होकर 1.49 करोड़ रुपए पर आ गई है। कुमार ने कहा, इस प्रकार की योजना के तहत अगर छोटे एवं सीमांत किसानों को समय पर किस्त जारी कर दी जाती है तो उन्हें बीज, खाद एवं कच्चा माल खरीदने में सुविधा होती है। इससे न केवल खेती को गति मिलती है बल्कि उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ होता है और आर्थिक वृद्धि तेज होती है। सरकार ने 2019-20 के अंतरिम बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। 1 दिसंबर 2018 से लागू इस योजना के तहत छोटे एवं सीमांत किसानों की सहायता के लिए 6,000 रूपए सालाना उनके खाते में डाले जाते हैं। ये राशि 2,000 रूपए के 3 किस्तों में दी जाती है, जहां 2018-19 के 4 महीनों के लिए इस योजना के तहत 20,000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया। वहीं 2019-20 के बजट में इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मंत्रालय अब तक करीब 44,000 करोड़ रुपए ही वितरित कर पाया है, जो आवंटित राशि का करीब 58.6% है। प्रमोद कुमार ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को समावेशी बनाने की जरूरत है, ताकि सभी जरूरतमंदों को इसके दायरे में लाया जा सके और इसका लाभ वास्तविक रूप से गरीब और पिछड़े तबके के लोगों को मिले। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, उपभोक्ता मांग सृजित करने के लिए गांवों में सरकारी खर्च बढ़ाने को लेकर बजट में कदम उठाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में पीएम किसान योजना के तहत सालाना किस्त एक बार जारी की जा सकती है। इससे किसानों के हाथ में पैसा आएगा और उनकी खरीद क्षमता बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। इस कदम से न सिर्फ कृषि क्षेत्र को गति मिलेगी बल्कि घरेलू उपयोग के सामान की मांग भी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। नेशन वन से परमेश मनोड़ी की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।